अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं डी फॉर डॉक्टर यूट्यूब चैनल। आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तानी लड़कियां घर बैठे आर्मी नर्सिंग की रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं और पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइनिंग दे सकती हैं बतौर नर्स, और उनकी क्या तनख्वाह होगी, आपको पर मंथ एक मंथ का जो स्टाइपेंड होगा, जो आपका वजीफा होगा वो 33,000 रुपए होगा। मुकम्मल डिटेल के साथ इस वीडियो में मैं आपको आज 5 टॉपिक कवर करने वाला हूं। डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक इंफॉर्मेशन इसकी क्या है, AFNS की कंफर्म जॉब, उसके बाद स्टडी स्टाइपेंड क्या होता है, और आपकी जॉब लगने के बाद क्या स्केल होगा, और उसके बाद क्या तनख्वाह होगी, उसके बाद आर्मी जो रिक्वायरमेंट्स है आर्मी की वो आपके साथ इन डिटेल डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को, इस चैनल को सबसे पहले देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक बरवक्त पहुंच सके। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन का बताऊंगा। आप यहां पर देख सकते हैं ये 2020-21 का एडवर्टाइजमेंट है जिसमें पाकिस्तान आर्मी ने इसकी मुकम्मल डिटेल बताई है। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने FSC कर ली है या वो अभी जुलाई में अपने FSC के एग्जाम्स दे रही हैं, वो सब लोग AFNS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तरीका बड़ा आसान है, आपके साथ डिटेल में बताता हूं। और उसके साथ ही वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हुए हैं, उनका रिजल्ट आ गया है, वो फर्स्ट ईयर के होप सर्टिफिकेट की बेस पे AFNS में अप्लाई कर सकती है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है ऑफिशियली वो भी आपके साथ शेयर कर लेता हूं। सबसे पहले इसमें आपका जो मैट्रिक है वो साइंस के साथ होना चाहिए, प्री यानी कि बायोलॉजी आपने पढ़ी हो मैट्रिक में, और आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक में। अलबत्ता FSC में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, यहाँ पे 60 या 65 का क्राइटेरिया नहीं है, ओनली 50% आपके मार्क्स होने चाहिए, और जो आपकी एज है वो 17 से 25 साल होनी चाहिए 31 दिसंबर 2021 तक। ये 2020 का एडवर्टाइजमेंट है, ऑफिशियल है, लेकिन अभी 2021 का अभी तक नहीं आया, तो जो इसकी रजिस्ट्रेशन डेट है वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। उसके साथ ही अगर आप ट्रेंड नर्स हैं तो भी आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, आपके पास BS जेनरिक नर्सिंग का डिप्लोमा हो और पोस्ट RN का डिप्लोमा भी होना चाहिए। वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त FSC में हैं और BS जेनरिक नर्सिंग को ज्वाइन करना चाहती हैं, तो उनके लिए जो पाकिस्तान आर्मी ने मैरिटल स्टेटस रखा है वो ये है कि वो अनमैरिड हो, गैर शादीशुदा हो, तभी जाके वो 4 साल अपनी जो स्टडी है उस पर सही से फोकस कर सकेंगे। BSc नर्सिंग जो होता है स्टूडेंट, ये 4 साल का डिप्लोमा है जो पाकिस्तान आर्मी करवाती है अपने डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में, जैसे कि CMH खारिया में, CMH मुल्तान में, और इसके बाद CMH रावलपिंडी में करवाती है, पोस्ट मेडिकल ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है रावलपिंडी में वहां पे करवाती है, इसी तरह PNS शिफा कराची में करवाती है, और डिफरेंट जो पाकिस्तान आर्मी के इंस्टीट्यूट है वहां पर करवाती हैं। होता ऐसे है कि इसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसको हम AFNS कहते हैं, आर्म्ड फोर्स नर्सिंग टेस्ट होता है, जिसमें इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस किए जाते हैं जो आपने आज से पहले FSC में या फिर मैट्रिक में कहीं पर भी नहीं पढ़े होते, तो इस वजह से ये डिफरेंट होता है। पाकिस्तान में जो मोस्टली स्टूडेंट्स इस टेस्ट को अटेम्प्ट करती हैं, इस आर्मी को ज्वाइन करना चाहती हैं बतौर AFNS, तो वो टेस्ट में फेल हो जाती हैं। इसके लिए D4 डॉक्टर मुकम्मल प्रिपरेशन करवा रहा है टेस्ट की, आप उस टेस्ट सेशन को ज्वाइन कर सकती हैं नीचे दिए गए नंबर पे, वहां पे आपको मुकम्मल डिटेल से टेस्ट की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अगर आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाता है तो फिर आपको क्या बेनिफिट होगा, पाकिस्तान आर्मी आपको AFNS में भर्ती कर लेगी, आपको 4 साल तक पढ़ाएगी, बिल्कुल मुफ्त पढ़ाएगी, आपने कोई फीस नहीं देनी, प्लस पाकिस्तान आर्मी आपको एक महीने का 30,000 रुपए भी देगी, 33,000 देती है लेकिन कुछ टैक्सेस होते हैं वो कट के फिर 30,000 रुपए बच जाता है। उसके साथ आपका हॉस्टल भी फ्री होगा, आपका मेस भी फ्री होगा, ठीक है। 4 साल आपने क्लियर किए, 4 साल के बाद आपकी 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होती है, और उसके बाद आपको 100% जॉब मिलती है, यानी कि आपको जॉब के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो आपकी हाइट है वो कम से कम 5 फीट होनी चाहिए, और आपका जो वेट है वो एज पर बॉडी मैस इंडेक्स होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। आपके 50% FSC में कम से कम मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद आपको 100% जॉब मिलेगी। अब जब आपकी 4 साल के बाद जॉब स्टार्ट होगी तो आपकी सैलरी क्या होगी, तो यहां पर मैं आपको बताता चलूं, आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 65,000 होती है, यानी कि 65,000 रुपए होती है, और आपका जो रैंक होता है वो 17 स्केल होता है, और आप एज ए लेफ्टिनेंट कमीशन ऑफिसर आर्मी में एज ए ऑफिसर का जो स्टेटस है वो एंजॉय करती हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान आर्मी आपकी कारकर्दगी की बुनियाद पर आपको डिफरेंट कंट्रीज के दौरे करवाती है अक्वामे मुत्तहिदा के, आप डिफरेंट जो भी उस टाइम जिस भी कंट्री के साथ पाकिस्तान के आर्मी के रिलेशंस चल रहे होते हैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे जा सकती हैं, और इसके साथ मुख्तलिफ सहूलियात दी जाती हैं। जो सहूलियात हैं
वो इतनी ज्यादा है कि उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आप उसमें बिल्कुल देखिएगा कि आपको क्या क्या सहूलियात मिलती हैं, घर वगैरह और भी बहुत बेनिफिट्स हैं। अब इसके साथ आपको रजिस्ट्रेशन का बताता चलूं तो स्टूडेंट्स अभी इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुई। लास्ट ईयर इसकी जो रजिस्ट्रेशन थी वो 17 अगस्त से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि कोविड की वजह से लेट थी, लेकिन इस साल क्योंकि जो कोरोना की वबा अभी काबू में है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मोस्ट प्रोबेबली 17 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने D4 डॉक्टर से AFNS टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है या वो कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 2 सेशन चल रहे हैं AFNS प्रिपरेशन के, तो आप लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, हम खुद आपकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। आपको बिल्कुल किसी किस्म की परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, हम मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे और आपकी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ताकि आपको मैक्सिमम टाइम मिल सके और आपकी जो डेट्स हैं वो हम खुद सिलेक्ट करेंगे। तो आपने बच्चों घबराना नहीं है। अगर आप D4 डॉक्टर से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर राब्ता करें ताकि आप भी इस सहूलत से मुस्तफीद हो सकें। उसके साथ ही जैसे ही अगर आपके पास 2 तरीके होते हैं रजिस्ट्रेशन के, एक मैनुअली आप पाकिस्तान आर्मी के किसी भी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में जा सकते हैं, जैसे कि ASRC फैसलाबाद है, लाहौर में है, रावलपिंडी में है, पिशावर में है, आप वहां जा सकते हैं, वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स दें और उसके बाद आपकी वहां पर वो रजिस्ट्रेशन कर देंगे। उसके साथ ही आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे ही स्टार्ट होगी D4 डॉक्टर आपको फौरन से बताएगा, इसलिए D4 डॉक्टर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, आने वाली वीडियोस को लाजमी देखिएगा, वो आप लोगों के लिए वेरी इंफॉर्मेटिव साबित होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।